सो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन एक ऐसी ज़रूरत बन गई है हर किसी इंसान की, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, छोटे हो, सबकी एक ऐसी ज़रूरत बन गई है। एक हमारी जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आज के टाइम पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या बच्चे नहीं हैं जो बिना मोबाइल के रहना पसंद करते हैं। और जितनी फैसिलिटी आज के टाइम पे मोबाइल के द्वारा हमें मिल रही है, जो सब चीज़ वो हमें मिल रहा है मोबाइल के द्वारा, उसका कितना नुकसान है इसके बारे में भी हम जानते हैं। अगर हम उसका सही तरीके से यूज़ करेंगे तो हमें फैसिलिटीज़ मिलेगी उसकी। अगर हम उसका सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो सबको पता है उसके कितने सारे नुकसान हैं। उसके बावजूद भी हम गलतियाँ करते हैं, क्या ये हमारी गलती है या लापरवाही है? इसी का एक एग्ज़ाम्पल अभी मेरठ में एक इतना बड़ा हादसा हुआ है कि हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये न्यूज़ सुनी हो, लेकिन मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि हो सकता है मेरी इस वीडियो से 1% लोग भी अगर अवेयर हो जाते हैं इस चीज़ से, तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो और हर कोई इस चीज़ से बच सकता है। इस वीडियो को बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि ये घटना इतनी दुखद घटना है कि कोई भी इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर भी सोच समझ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग भी अगर मेरी कही गई बातों को अपने फ्यूचर में अगर अप्लाई करते हो तो ऐसे हादसों से बच सकते हो और मेरे इस वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो सफल हो जाएगा। बस दैट्स इट, मेरे को इतना ही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। होली के दिन की ये बात है, मेरठ के मोदीपुरम इलाके की ये घटना है जो कि बहुत ही दुखद घटना है। फैमिली में मम्मी पापा कहीं किचन में कुछ तैयारियां कर रहे थे और बच्चे, उनके 4 बच्चे जो कि बेडरूम में बैठे हुए थे और फ़ोन उनका चार्जिंग पर लगा हुआ था और चार्जिंग जो हो रही थी वो बेड पर हो रही थी, जिसको हम एक्सटेंशन बोर्ड कहते हैं या सॉकेट, आप जो भी बोलते होंगे, वो बेड पे रखा हुआ था और उस पे रख के फ़ोन चार्ज हो रहा था। अब चार्ज होते होते अचानक से उस पे स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग की वजह से जो बेड था वो था फोम का, वो इतनी जल्दी आग पकड़ता है कि चुटकियों में ही पूरे घर में आग लग जाती है, उस रूम में आग लग जाती है। और जब बच्चे चिल्लाते हैं तो माँ बाप भागते हैं, वहाँ भागते हैं तब तक बच्चे आधा जल चुके थे, इतनी भयंकर आग वहाँ लग चुकी थी उस रूम में। माँ बाप कभी आप सोच सकते हैं कि अपने सामने अगर अपने बच्चों को कोई जलता हुआ देख रहा होगा तो उस माँ बाप पे उस टाइम पे क्या बीत रही होगी। माँ बाप ने भी बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उस आग में कूद गए, दोनों कूद गए और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। लेकिन जब तक वो ये सब चीज़ करते बहुत देर हो चुकी थी। उनको हॉस्पिटल ले जाते ले जाते 2 बच्चों ने तो दम तोड़ दिया और 2 बच्चों ने कुछ टाइम बाद दम तोड़ दिया। माँ बाप भी पूरे बुरी तरह से जल चुके थे। अब इन सब चीज़ के पीछे एक छोटी सी गलती है, मात्र एक छोटी सी गलती है, वो ये है कि हम इस फ़ोन को जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करने के बजाय हम इसका मिसयूज़ करते हैं। रात भर हम कई बार फ़ोन को चार्जिंग पे छोड़ के सो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। फ़ोन पे आज के टाइम पे इनबिल्ट बैटरी आती है, ये एक मशीनरी चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इससे हमें फैसिलिटी दी मिल रही है तो हमें इससे सतर्क भी रहना चाहिए। सतर्क हमें यही, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फ़ोन यूज़ करना बंद कर दीजिए या बच्चों को मत दीजिए। आज के टाइम पे हर कोई यह परेशान है इस चीज़ से कि बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये आप लोगों को पता ही होगा, मैं यहाँ पे कोई ज्ञान पेलने नहीं आया हूँ आप लोगों के लिए। ये सब चीज़ आप लोगों को पता है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बच्चों पर किस तरह से पड़ते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते हैं। जो जो चीज़ हम देख रहे हैं अपने आँखों के सामने, उन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। लेट नाइट या रात भर चार्जिंग पे फ़ोन को रखना ये बहुत डेंजरस होता है। ऐसे कई मामले इससे पहले भी आ चुके हैं, फिर भी हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अब ये हमारी गलती है या लापरवाही है, आप इस बात को ज़रूर बताइएगा।
एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, मेरी नज़र में ये लापरवाही है, मेरी नज़र में ये बिल्कुल एक लापरवाही है, नज़रअंदाज की हुई लापरवाही जिसको बोलते हैं, छोटी सी लापरवाही की वजह से एक माँ बाप ने अपने 4 बच्चों को खो दिया है। अब आप सोचिए ये कौन माँ बाप ये सब चीज़ चाहता होगा, एक मोबाइल फ़ोन, और वो भी बताइए होली का दिन, होली मनाने के लिए सब तैयार हो रखे हो और अचानक ऐसी घटना हो जाए, क्या बात, क्या बोलें इससे आगे हम आप। सो दोस्तों, यही है मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ फ़ोन का यूज़ कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर कुछ चीज़ें जो उससे रिलेटेड है, जो डेंजरस हो सकती है जीवन में, उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।